नमस्ते वालों के मस्ट्रॉइस से मैं हूँ दीपक नागमोती ए के ए चिकी और आप सबका स्वागत है आज के इस ओपी वीडियो में। तो लॉकडाउन का समय है, हर कोई अपने घर में बैठा हुआ है, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे समय में हम इंडियन सिर्फ दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। पहली बात तो है कि हमारी सोशल लाइफ और दूसरी चीज़ है क्रिकेट। आईपीएल का सीज़न था, अगर सब कुछ सही होता तो हम लोग इस समय पर घर में बैठ के आईपीएल को एंजॉय कर रहे होते हैं। बट डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा गेम लेके आया हूँ जिसको खेलने के बाद आप अपने घर में बैठ के ही क्रिकेट का मज़ा ले पाओगे और आप किसी चीज़ को मिस नहीं करोगे, ना आपकी सोशल लाइफ को मिस करोगे, ना आप आईपीएल को मिस करोगे। तो गाइस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मैं इसमें बताऊँगा कि कौन सा वो गेम है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो बिना कोई देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो भाई लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2 गेम की, जिसको हम लोग WCC 2 भी कहते हैं। ये एक क्रिकेट गेम है और इसको डेवलप किया है नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया स्टूडियो ने, जो कि एक इंडियन स्टूडियो है। अगर आप इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर देखोगे तो इस गेम को 50 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है और 2 मिलियन से ज़्यादा इस गेम के रिव्यूज़ अवेलेबल है। इस गेम को रेटिंग मिली है 4.2 स्टार की, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। तो मैं आपको इस गेम के कुछ फीचर्स बताता हूँ जो इस गेम को बाकी गेम से डिफरेंट और बेहतरीन बनाते हैं। मोड की बात करें तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों गेम मोड अवेलेबल है। अगर आपके कोई दोस्त है जो आपके साथ ऑनलाइन क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो उनके साथ आप 1v1 ऑनलाइन मैच ले सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन कंप्यूटर के अगेंस्ट भी खेल सकते हो, जिसमें आपको डिफिकल्टी चूज करने का ऑप्शन है फ्रॉम ईजी टू हार्ड डिफिकल्टी। टूर्नामेंट की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टूर्नामेंट अवेलेबल है। अगर आप एशेज खेलना चाहते हो तो आप एशेज खेल सकते हो, वर्ल्ड कप अवेलेबल है, T20 वर्ल्ड कप है, टेस्ट मैच है, या फिर आप क्विक मैच कर सकते हो अपने फेवरेट टीम्स के साथ। आप अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन मैच खेल रहे हो और मैच के बीच में अचानक से बारिश चालू हो जाती है तो आपको डरने का नहीं है बीडू, क्योंकि इस गेम में डकवर्थ लुईस मेथड भी है जिसकी हेल्प लेके आप मैच का रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर आपको अंपायर LBW आउट देता है और आपको लगता है कि आप आउट नहीं हो तो आप DRS भी कॉल कर सकते हो। यस गाइस, आपने सही सुना, इस गेम में DRS भी है। बाकी फीचर्स की बात करें तो रियलिस्टिक बॉल फिजिक्स है जो कि पिच के कंडीशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। 18 डिफरेंट इंटरनेशनल टीम्स, 10 डोमेस्टिक टीम्स और 42 डिफरेंट स्टेडियम्स में आप मैच खेल सकते हो। अगर आपको इंडिया की वर्ल्ड कप की फाइनल मैच खेलनी है वानखेड़े में तो आप वो श्रीलंका के साथ क्विक मैच में जाके खेल सकते हो। सो ये फीचर मेरा सबसे फेवरेट फीचर है इस गेम का। कंट्रोल्स की बात करें तो गाइस इसमें 2 टाइप के कंट्रोल्स है, एक तो है इजी कंट्रोल जो कि कैजुअल प्लेयर्स के लिए है और सेकंड है प्रो कंट्रोल्स। आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो विद द प्रो कंट्रोल्स, क्योंकि कल मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा प्रो कंट्रोल्स की प्रैक्टिस कर रहा था। ट्रस्ट मी गाइज, इतना आसान नहीं है, बट दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर आसान होता तो खेलने में मज़ा भी नहीं आता। आपको अगर प्रो कंट्रोल्स में अच्छा खेलना है तो आपको प्रैक्टिस मोड में जाके उसकी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मोड में आप फ्रंट फुट शॉट, बैक फुट शॉट, कवर ड्राइव, पुल, स्ट्रेट ड्राइव, कट, मतलब जो चाहे वो शॉट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो और रियल मैच में आप उनको यूज़ कर सकते हो। इवन विद द बॉलिंग की आप डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल कर सकते हो, इन स्विंग, आउट स्विंग, गुगली, बाउंसर, जो चाहिए वो, इवन यॉर्कर्स। तो प्रैक्टिस मोड इज अ नेसेसरी अगर आपको प्रो कंट्रोल्स से गेम को खेलना है। चलिए भी बात करते हैं ग्राफिक्स की और एनिमेशंस की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशंस इस गेम में इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग एनिमेशंस हो। ग्राफिक्स तो इस गेम के बहुत मस्त है, जो कि आपको एक रियलिस्टिक फीलिंग दिलवाते हैं कि यार हाँ, सच में आप कुछ क्रिकेट मैच खेल रहे हो या फिर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो। कॉमेंट्री इस गेम की मुझे लग रहा है कि बाय फार द बेस्ट फीचर ऑफ दिस गेम। इसके पहले मैंने जितने भी क्रिकेट गेम्स खेले हैं मुझे उन सारे गेम्स में एक ही कॉमन कंप्लेंट रही है, जो कि कॉमेंट्री बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव रहती है और कुछ टाइम के बाद बोर होता है। बट इस गेम की कॉमेंट्री आपको रियल मैच का फीलिंग दिलवाएगी। ट्रस्ट मी गाइज, कॉमेंट्री इज अ टॉप नॉच इन दिस गेम। जब गेम चालू होता है आपका, जब आप मैच चालू करते हो तो पहले टॉस के एनिमेशंस होते हैं और उसके बाद सारे प्लेयर्स स्टेडियम में एंटर करते हैं और नेशनल एंथम बजता है हर एक टीम का। तो अगर आप इंडियन टीम लेके खेलते हो तो गाइस इंडियन टीम का भी नेशनल एंथम बजता है, जो कि आप में एक जोश भर देता है, और उसके बाद आप मैच चालू करते हो। तो जैसे मैंने कहा गाइस, ऑसम गेम है, प्रो कंट्रोल्स के साथ खेलो, आप सच में आपका ये जो लॉकडाउन का पीरियड है वो एकदम हंसते से निकल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने गाइस इस गेम की लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके गेम को डाउनलोड कर सकते हो। ये गेम एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। तो फटाफट गेम को डाउनलोड करना और मुझे बताना आपको ये गेम कैसे लगा। अगर आपको ये गेम अच्छा लगता है तो आप उनके गूगल प्ले स्टोर पे जाके रिव्यूज़ लिख सकते हो। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप उसमें आपका फीडबैक भी दे सकते हो कि आपको ये गेम क्यों नहीं अच्छा लगा, ताकि डेवलपर इस गेम को और अच्छा और बेहतरीन बनाए। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर बुरा लगा तो आप डिसलाइक बटन दबा सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा।
तो चलो गाइज, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे धमाकेदार वीडियो, धमाकेदार गेम्स में आपके लिए लेके आऊंगा। टिल देन कीप गेमिंग एंड कीप स्माइलिंग गाइज, खेलते रहे और हंसते रहे, बिकॉज यू गाइज आर सीरियसली ऑसम। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। लव यू गाइज।